अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अज़ीज़ सुलवात अलवाद और प्यारे बच्चों, आप तमामी में विशेष इकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, स्टडी करें मिशन एनएमएमएस एग्जाम जमात सातवीं मजमून साइंस का जो सबक नंबर एक है, जानदारों की दुनिया, तवाफुक और जमातबंदी, उसका लेक्चर नंबर दो लेकर प्यारे बच्चों आप ये तक हाजिर हुए हैं। इसके पहले लेक्चर में हमने जो एडेप्टेशन इन प्लांट्स जो है नबातात में तवाफुक, ये पूरा टॉपिक हमने पढ़े है। आज प्यारे बच्चों हम पढ़ने वाले हैं एडेप्टेशन इन एनिमल्स, हैवानात में तवाफुक। ठीक है, हैवानात में जैसे प्यारे बच्चों हमने पिछले लेक्चर में हमने देखे कि मुख्तलिफ किस्म के पौधे होते हैं और वो मुख्तलिफ इलाकों में अपने आप को सर्वाइव करते हैं। कुछ रेगिस्तान में उगते हैं तो कुछ बर्फानी इलाकों में उगते हैं, कुछ जो है पानी के अंदर उगते हैं। तो ऐसे ही प्यारे बच्चों बहुत सारे हैवानात है, कुछ जमीन पर जिंदगी गुजारते हैं, कुछ पानी में जिंदगी गुजारते हैं, कुछ रेगिस्तान में जिंदगी गुजारते हैं, कुछ जो बर्फानी इलाकों में जिंदगी गुजारते हैं, कुछ पहाड़ी इलाकों में जिंदगी गुजारते हैं। बहुत सारे अलग अलग इलाकों में प्यारे बच्चों हैवानात जो है वो जिंदगी गुजारते हैं। ठीक है, तो उसी के ताल्लुक से प्यारे बच्चों हम जो है जिस तरह प्लांट्स में पढ़ते इस तरह एनिमल में हम पढ़ने वाले हैं। परी हैवानात की बनिस्बत आबी हैवानात की जिल्द जिस्म की साख्त में तब्दीली नजर आती है। मछलियों के जिल्द पर सफने यानी स्केल्स और जिस्म पर जहांते होते हैं, जिस्म गावदुम होते हैं। गावदुम का मतलब होता है जैसे शक्ल देखेंगे हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखो यहाँ जहांते होते हैं, ठीक है, जिस्म पर, और सफने होते हैं स्फिंस, क्या होते हैं स्फिंस, और स्केल्स होते हैं गलफड़ा होता है, ठीक है, क्या होता है गलफड़ा होता है। तो मेरे ये तमाम चीजें जो है ये आदि जानदारों को पानी में जीने में मदद करती हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम मछली को अगर पानी से बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगी, कुछ देर के बाद में मर जाएगी वो, यानी पानी में ही जिंदा रह सकती है, पानी के अंदर ही वो जो है वो जिंदा रह सकती है। समझ में आया? तो इसमें जो नाक, जैसे हम जमीन पर रहते हैं तो हम सांस जो है वो नाक से लेते हैं, इससे लेते हैं, हमारे तनफ्फुस जो है सांस का निजाम हमारा नाक से और फेफड़ों के जरिए से चलता है। ऐसे ही जो आबी हैवानात है इनमें जो है वो गलफड़े होते हैं, क्या होते हैं गलफड़े, जैसे यहाँ पर देखेंगे यहाँ उनके जो गलफड़ा होता है, ठीक है, और वो गलफड़े के जरिए से पानी में जो है वो सांस लेने का अमल करते हैं। और फिर जो जब गौर करेंगे तो यहाँ देखेंगे तो इनका जो पीछे से भी नोकीला रहता है और आगे से भी नोकीला रहता है, तो ये जो उनको तैरने में पानी के अंदर तैरने में जो है और पानी को चीर कर आगे बढ़ने में जो है वो मदद करते हैं। अगर इनका जो जिस्म है इस तरह का चौकोन होता तो ये पानी में आसानी के साथ में आगे तैर नहीं पाते। ठीक है, समझ में आ रही प्यारे बच्चों बात? तो और प्यारे जो इनकी जो आंखें होती है ना, आंखें वो ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट होती है। तो इस तरह प्यारे बच्चे अपने आप को सरवाइव करने में लिए तमाम चीजें उनको जो है मदद करती है और इसके जरिए से वो सरवाइव कर पाते हैं, अपने आप को बाकी रख पाते हैं, अपने आप को जिंदा रख पाते हैं। ठीक है, अब मेंढक बतख कछुए के जिस्म का मुशाहिदा करना है। ठीक है, मेंढक देखेंगे आपने, मेंढक भी है। अब बहुत सारे हैवानात ऐसे होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं, तो मेंढक ले लेंगे, बतख ले लेंगे, कछुआ ले लेंगे, ये पानी में भी रहते हैं और जो है जमीन पर भी रहते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बतख अगर लेते हैं, बतख तो बतख का अगर पैर देखेंगे हम यहाँ पर देखेंगे पैर, तो एक पैर जो चप्पू की तरह होता है जो पानी में तैरने में इनको मदद करता है। ठीक है, पानी में तैरने में क्या करता है, मदद करता है। और जो इनके पर है, इनके पर प्यारे बच्चे इनके पर पर एक जो है मोम की तय होती है, क्या होती है, इसलिए पानी में जो है ये जाने के बाद भी इनके पर जो है भीगते नहीं है, ये मोम की तय। जैसे हमने इसके पहले पढ़े थे आबी जो पौधे होते हैं इनमें मोम की तय होती है, इसलिए ये जो पानी में सड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, सड़ नहीं पाते। इसी तरह बतख का भी मामला है, इनका पैर जो है चप्पू नुमा होता है। ठीक है, पैर कैसा होता है, चप्पू नुमा, और इनके परों पर जो है वो मोम की तय होती है, वैक्स की जो है एक लेयर होती है। ठीक है, वैक्स क्या होती है, लेयर होती है जो उनके पर को जो है वो भिगा नहीं पाती। ठीक है,
अब देखो मेंढक और बत्तख के पैरों की उंगलियों के दरमियान झिल्ली पाई जाती है, देखे आप, ठीक है, जो चप्पू की तरह होती है, और इनके पर और पंख पर रोगनी मादा होता है, चिकट जो है, तिलचिट मादा, इसलिए पानी इन पर से फिसल जाता है। मेंढक के पैरों की उंगलियों के दरमियान झिल्ली चिकनी जिल्द और तिकोनी सर की वजह से वो आसानी से पानी में तैर सकता है। पानी में और जमीन के नीचे हो तो वो जिल्द के जरिए सांस लेता है, ठीक है, अगर पानी में हो तो कहाँ से सांस लेते हैं? सवाल पूछ सकते हैं बच्चों, अगर मेंढक पानी में हो तो वो किस जरिए से सांस लेता है? तो आपको सिर्फ लेक्चर जो देखना नहीं है, सुनना नहीं है, आपको इतना हशास बसास और चौकन्ना होकर बैठना है कि आप लेक्चर देखते देखते आप गेस कर सके कि यहाँ से सवाल पूछ सकता है कि नहीं सकता है, ये सोचकर आप लेक्चर देखेंगे, ठीक है, प्रयास, नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे, जहां आपको मेन पॉइंट दिखा, जहां सवाल बन सकता है आप सवाल को नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो एनएमएमएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जितना आप सवाल के जरिए से पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, उतना आपकी एनएमएमएस की तैयारी जो है, एग्जाम की तैयारी अच्छे से होंगी। और ऐसे नहीं प्यारे बच्चों, आप सिर्फ इसके जरिए से आपकी एनएमएमएस की तैयारी होंगी, आप इसके जरिए से जो है आपके जो स्कूल का जो एग्जाम होते हैं वो एग्जाम भी आप अच्छे से दे सकते हैं, और वहां पर भी आप अच्छे से मार्क्स जो है वो कवर कर सकते हैं। और जब जमीन के ऊपर हो तो नाक और फेफड़ों के जरिए से ये सांस लेते हैं, ठीक है, इसलिए दोनों जगहों पर रह सकते हैं। मेंढक की पीठ की मखसूस साख इसे घास में छुपने में मदद देती है, ठीक है, इसके जरिए से वो सरवाइव कर पाते हैं। चंद ऐसे जल थलिए, ठीक है, ये नाम बताइए जिन्हें आप जानते हैं, इनमें तवाफुक का मुशाहिदा कीजिए। आपको इजाफी मालूम आप नेट पर से भी और मुशाहिदा करके भी ये मालूम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने जो है प्यारे बच्चों देखेंगे जो आबी हैवानात है उनमें किस तरह से वो तवाफुक होता है, ठीक है, कि किस तरह अपने आपको पानी में सर्वाइव कर पाते हैं। अब इसके बाद में एडेप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स, यानी जंगलात और घास के इलाकों के हैवानात में तवाफुक, ठीक है, जैसे जंगली कुत्ता, लोमड़ी हुआ, शेर हुआ, शेर बब्बर हुआ, ये बहुत सारे गोश्त खोर हैवानात है, ठीक है, कैसे है गोश्त खोर, तो मेरे इनके पैर जो है ना, पैर वो बहुत मजबूत होते हैं, ठीक है, पैर कैसे रहते हैं इनके, पैर जो है ये इनके बहुत मजबूत है, ताकि ये जब भागे तो इनको भागने में इनके पैर में तकलीफ ना हो, ठीक है। इन हैवानात में बड़े बड़े नाखून होते हैं नोकीले, अपने शिकार को नोचने के लिए, ठीक है, और जो दांत होते हैं वो चीरने वाले दांत होते हैं, जैसे हम जो है कच्चा गोश्त खा नहीं पाएंगे, हमारे दांत वैसे नहीं है, ठीक है, अगर हमको कच्चा गोश्त खाने के लिए दिया जाए तो हम खा नहीं पाएंगे उसको, ठीक है, तो हमारे दांत जो नोकीले नहीं है, तो इनमें जो दांत होते हैं वो नोकीले होते हैं, ताकि अपने जो है वो शिकार को वो जो है वो चीर फाड़ सके, उनको नोच सके और अपनी गिजा जो है वो हासिल कर सके, ठीक है। शेर के पैरों के तलवे गद्दीदार होते हैं, नरम होते हैं, गद्दी नुमा, गदेले नुमा, ठीक है, इसलिए जब वो चलते हैं तो उनके शिकार को उनके चलने की आड़ जो है वो सुनाई नहीं देती है, ठीक है, और वो आसानी से अपने शिकार को दबोच लेते हैं। गोश्त को हैवानात में आंखों का मुकाम सर के मखरूती हिस्से के सामने की जानी होता है, देखो आंख जो है यहाँ पर, इसलिए वो जो थोड़ा पीछे का साइड भी देख सकते हैं जानवर जो होते हैं, जिसके वो शिकार को दूर से देख लेते हैं, तो ऊपर होते हैं आंख जो है वो मखरूती, ठीक है, यानी ऊपर की तरफ जो है आंख होती है, ताकि इसलिए वो अपने जो शिकार है दूर से भी उसको क्या कर सकते हैं, वो देख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे सब्जी खोर हैवानात थे, इनमें आंखें जो पेशानी के नीचे और बाजू की जानी होती है, देखेंगे और करेंगे, जब ये पीछे की जानी होती है, ताकि अपने जो जो यानी जो जिससे इनको खतरा है ये इनको पीछे की तरफ भी ये देख सकते हैं, ठीक है, और बहुत दूर तक के आगे पीछे प्यारे बच्चों ये अपनी नजर को दौड़ा सकते हैं, ठीक है, इसलिए बहुत वसी इलाके को देख सकते हैं इसकी वजह से, और उन्हें दुश्मन से बचाव का मौका मिलता है। तो प्यारे बच्चों कुदरत ने ना हर एक को जीने के लिए है ना वो हर चीज दी है, जैसे शिकार अगर हरण को खाता है, नोच कर खा सकता है, तो हरण को बचने के लिए भी कुदरत ने बहुत सारी चीजें दी हैं, वो बहुत स्पीड में भाग सकती है, अपनी आंखों के जरिए बहुत सारे दूर का इलाका देख सकती है, ठीक है, समझ में आ रही प्यारी बच्चों बात। सब्जी को हैवानात के पैर मखरूती और पतले होते हैं, देखो पतले होते हैं और जो है खुर मजबूत होते हैं, उनको खुर जो रहते हैं मजबूत होते हैं, और उनकी जो प्यारे बच्चों पैर पतले, ताकि उनको छलांग लगाने में तेजी से भागने में आसानी हो। ऐसे हैवानात की हरकत करने वाले लंबे कान दूर की आवाज को सुन सकते हैं, उनके कान कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है,
अपने आप को जैसे बारह सिंगा हुआ, हरण हुआ, माहौल से मिलता जुलता होता है। नबातात के तनों को चबाकर खाने के लिए इनमें मजबूत दांत पाए जाते हैं। ठीक है, तो हर एक जानवर, प्यारे बच्चों, हर एक जानदार जो है, हर एक हैवान जो है, ये अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कुदरत ने उसको बहुत सारी चीजें दी हुई है। ठीक है, तो मैं इनके पैर जो पतले होते, देखो पैर देखेंगे, पैर पतले होंगे और इनके खुर जो मजबूत होते हैं, खुर होगा, खुर जो मजबूत होते हैं, आंखें जो पीछे की जानब होती है, कान जो है वो बड़े होते हैं, तो ताकि दूर की आवाज सुन सके, आंखें को देखने से बहुत सारे दूर का इलाका भी वो जो है देख सकते हैं। अब उसके बाद का टॉपिक है रेगिस्तान के इलाकों में तवाफुक, एडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स। ठीक है, एडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स। रेगिस्तानी इलाकों में पानी की शदीद किल्लत होती है। सबसे अहम जो मसला होता है रेगिस्तान में, वहां पानी जो है वो बहुत कम जो है वो पाया जाता है। ठीक है, पानी जो है वो बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, जिसमें में पानी को बाहर रखने के लिए वहां के हैवानात की जिल्द मोटी होती है। जैसे ऊंट ले लेंगे, ऊंट इसको जो है वो रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। ठीक है, शिप, डेजर्ट शिप भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इनके देखो जो इनकी जिल्द होती है, पैर बहुत मोटी होती है, ताकि जो है इनके पानी जो है वो पसीने के जरिए से निकल ना पाए। ठीक है, तो उनकी स्किन जो बहुत मोटी होती है, स्किन कैसी रहती है, कैमल्स की स्किन जो है, जानवर जो रेगिस्तान के होते हैं इनकी स्किन जो है बहुत मोटी होती है। पैर लंबे होते हैं, तलवे गद्दीदार और फैले होते हैं, नाक पर जो जैसे पैर जो उनके कैसे रहते हैं, गद्दीदार। ठीक है, तलवे गद्दीदार रहते हैं, पैर लंबे रहते हैं, मजबूत रहते हैं। ठीक है, और नाक में प्यारे बच्चों देखेंगे तो एक झालर होती है, ताकि जो अगर रेगिस्तान में रेगिस्तानी तूफान आए, या जो जिसको बोलेंगे रेगिस्तान में बहुत सारी जो धूल उड़ती है, मिट्टी उड़ती है, इनके नाक के जरिए से जो है अंदर ना जाए, इसके लिए क्या है, इनको बचाव के लिए इनकी नाक पर जो झालर होती है, झिल्लर होती है। ठीक है, पपूटे लंबे और मोटे होते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले चूहे, सांप, मकड़ी, गिरगिट जैसे हैवानात गहरे बिल बनाकर रहते हैं। ये मकड़ी है, ठीक है, गोजर जिसको कहेंगे, मकड़ी, गोजर, गिरगिट, ये गहरे बिल के अंदर रहते हैं। ठीक है, कहाँ रहते हैं, गहरे बिल के अंदर रहते हैं, ताकि इनको जो सर्वाइव करने में, जीने में इनको जो है मदद हो। ठीक है, ये तमाम चीजें प्यारे बच्चे जो है रेगिस्तानी एनिमल्स जो है, रेगिस्तानी हैवानात उसमें जो है वो। अब इसमें प्यारे बहुत सारे हैवानात ऐसे रहते हैं जो रेगिस्तान में गर्मी की वजह से दिन में सोते हैं, क्या कहते हैं, दिन में सोते हैं और रात में जो है अपने शिकार करते हैं, रात में जो है वो शिकार करते हैं। ठीक है, बहुत सारे जानवर, तो प्यारे बच्चों ये तमाम चीजें जो है ये उनको सर्वाइव करने के लिए एडेप्टेशन, माहौल के मुताबिक अपने आप को कैसे वो ढालेंगे। और प्यारे बच्चों हमारा जो टॉपिक वही है, ठीक है, एडेप्टेशन, तवाफुक। ठीक है, अब उसके बाद का हमारा जो टॉपिक है अगला जो है बर्फानी इलाकों के हैवानात में तवाफुक। जैसे इसके पहले हमने देखे बर्फानी इलाकों के जो नबातात है उनमें वो अपने आप को जीने के लिए कैसे रहते हैं, अपने आप को कैसे ढालते हैं वो लोग। जैसे क्रिसमस ट्री के बारे में मखरूत होता है तो बर्फ उन पे जम नहीं पाती है, तो ऐसी जो हैवानात में जो तवाफुक होता है, जैसे देखेंगे जैसे याक होता है, याक, कुतुबी रीछ, सफेद लोमड़ी, पहाड़ी बकरी, चंदेरी लोमड़ी, साइबेरिया हस्की कुत्ता, बर्फानी चीते की तस्वीर हासिल कीजिए, या आप इंटरनेट पर से हासिल कर सकते हैं। तो फिर जो इनके जो बर्फानी इलाके के जो हैवानात होते हैं, इनके जिस्म पर जो है लंबे घने बाल होते हैं। ठीक है, ये घने बाल प्यारे बच्चों उनको सर्दी से बचाते हैं। ठीक है, कैसे बचाते हैं, सर्दी से बचाते हैं। और इनकी जो जिल्द होती है प्यारे बच्चों बहुत मोटी होती है, देखेंगे और देखो बहुत सारे घने बाल होंगे। ठीक है, बर्फानी इलाके के हैवानात की जो फिगर यहाँ पर दी हुई है, बहुत सारे उन पर घने बाल होते हैं। ठीक है, और इनकी जिल्द जो बहुत मोटी, ताकि जो ये अपने आप को जो है वहां सर्वाइव कर सके, अपने आप को जो है अपने आप को माहौल में ढाल सके। ठीक है, तो ये चीज बर्फानी इलाकों के हैवानात के ताल्लुक से हो गई। ठीक है, अब उसके बाद जो होता है फजाई हैवानात में तवाफुक, फजाई एरियल एनिमल्स, यानी ऐसे हैवानात जो है हवा में उड़ते हैं, इसमें अक्सर तो परिंदे आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे, परिंदे। ठीक है, तो ये जो है परिंदों के जिस्म भी
ये दोनों गावधूम होते हैं। कैसे होते हैं गावधूम देखेंगे, ये देखो ये गावधूम, ताकि इनको उड़ने में आसानी हो, ठीक है। ये गावधूम होते हैं ताकि जो इनको उड़ने में जो है, जैसे मछली का हमने देखे थे पिछले से भी पीछे से भी नोक होती है आगे से भी नोक, ताकि वो पानी के अंदर तैर सके। ऐसे ही जो जो परिंदे होते हैं ये आगे से भी नोक होती है, इनके पीछे से भी नोक होती है, गावधूम होते हैं, ठीक है, ताकि इनको जो उड़ने में आसानी हो। और जिस्म पर परों का गिलाफ होता है, सामने के पैरों का पंखों में तब्दील होना और खोखली हड्डियों की वजह से इनके जिस्म का हल्का होना। जैसे इनकी हड्डियां जो प्यारे बच्चों, ये बोन्स जो होते हैं वो खोखली होती है, बोन्स कैसी होती है इनकी, खोखली होती है, और जिस्म जो एकदम हल्का होता है, ताकि इनको उड़ने में बहुत आसानी हो, ठीक है, ताकि इनको जो उड़ने में जो है वो बहुत आसानी हो, ठीक है। तो इसके एतबार से पहले तो कुदरत ने इनको वैसा बनाया है, ठीक है। ये पंख होते हैं, यहाँ देखेंगे ये पैर जो पीछे चला जाता है तो ये गावधूम बन जाता है, नोक बन जाती है, जिससे उड़ने में आसानी। इनकी जो हड्डियां रहती है वो खोखली रहती है, हड्डियां कैसी रहती है, हड्डियां खोखली होती है, ठीक है, और वजन हल्का होता है, इसकी वजह से आसानी के साथ में ये उड़ पाते हैं, ठीक है। अब पहले जो गौर करेंगे तो उनके जो पैर में जो है ये नाखून, जो देखो नाखून, इनके नाखून बड़े बड़े, ताकि ये जो है ये नोच के अपने शिकार को खा सके, ठीक है। जो यानी जिसको कहेंगे कीड़े मकोड़े जो पकड़ते हैं उनको आसानी से पकड़ सके, उनको खा सके नोच कर, ठीक है। अब इसमें जो है चिंगाड़ जो है ये एक मैमल है, क्या है, मैमल, क्योंकि ये प्यारे बच्चों इसलिए अपने बच्चों को दूध पिलाता है, ठीक है। लेकिन इसमें पर भी होते हैं, ठीक है, पर भी होते हैं इनके अंदर, पर भी होते हैं, ठीक है। चमगादड़ के अगले पैरों की उंगलियों के दरमियान झिल्ली की मौजूदगी की वजह से उड़ सकते हैं, ठीक है, झिल्ली मौजूद होती है। फीदर होते, फीदर फिन्स, क्या बनेंगे, क्या कहेंगे, वहां पैर के अंदर जो है फिन्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह प्यारे बच्चों जो है, जो हवा में उड़ने वाले परिंदे हैं ये किस तरह अपने शिकार कर सके, अपने आप को जो है वो अडेप्ट कर सके माहौल के मुताबिक, तो इस तरह इन तमाम चीजों के जरिए से प्यारे बच्चों उनमें तवाफुक होता है, अडेप्टेशन होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पहुंचकर जो हमारा लेक्चर नंबर 2 जो है वो यहीं पर खत्म होते हैं। इसमें हमने जो है अडेप्टेशन इन एनिमल्स, अडेप्टेशन इन एनिमल्स हमने देखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पहुंच के फिर जब लेक्चर नंबर 2 यहीं पर खत्म होता है, लेक्चर नंबर 3 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।